वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम एंड जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, खासतौर पे क्रूड ऑयल के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आखिर तक सुनिएगा। इसमें जो स्ट्रेटेजी आपको बताई जा रही है उससे सब लोगों की जो खास परेशानी है, कई बार लोगों ने ये चीज कही कि सर हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं, हम नहीं ट्रेड कर सकते स्टॉक मार्केट में या निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में, तो हम कैसे ट्रेडिंग करें, हमारा मन बहुत है ट्रेडिंग करने का। तो आपने सुना होगा एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो शाम को ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों ने अपने आप को बाहर से एक कहानी सुनाती है और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक घंटा भी नहीं है तो ट्रेड कैसे करें। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 मिनट काफी है तब तो आप ट्रेड कर सकते हैं ना, और आपको यकीन नहीं होगा कि 10 मिनट में ऐसे कि क्या बात कर रहे हैं, बच्चों का खेल है क्या। तो थोड़ा पेपर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर चीजें ठीक होगी तभी तो आप आगे काम करेंगे। तो क्रूड का पहले बड़ा लॉट ही होता था, बीच में मिनी लॉट हो गया था, अब फिर से बड़ा लॉट ही है। तो क्रूड के एक लॉट में काम करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए होता है, मे बी 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन भी लग सकता है। अब क्रूड में जब डाटा आते हैं दुनिया भर के तो एकदम से मूवमेंट आता है, तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, हमने अपने कमोडिटी ट्रेनिंग कोर्स में खास तौर से बता रखा है कि ये टाइम गोल्ड और सिल्वर के लिए बेस्ट है, ये टाइम क्रूड के लिए बेस्ट है, और ये टाइम बेस मेटल कॉपर निकल लीड और जिंक के लिए बेस्ट है। ये वो खास 8 कमोडिटीज है जिनमें काम करके आप अपनी कैपिटल का 2-3% प्रॉफिट बड़े आराम से पूरी सेफ्टी के साथ बना सकते हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात घूम रही है कि सर आप तो कह रहे हैं रिस्क ही नहीं है। रिस्क कैसे नहीं है, अगर हमने क्रूड खरीद लिया और उसकी प्राइस नीचे चली गई तो क्या हमको नुकसान नहीं होगा, या हमने क्रूड को शॉर्ट सेल कर दिया, बेच दिया, मंदी कर ली और उसकी प्राइस ऊपर चली गई तो क्या हमको नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों होगा क्या कि कमोडिटी में सारे फ्यूचर्स अवेलेबल है, तो फ्यूचर्स में क्या होता है, एक तो करेंट मंथ है, तो कौन सा फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, इस मंथ का फ्यूचर जिसकी 16-17 तारीख के आसपास महीने में एक्सपायरी होती है, फिर अगले मंथ का फ्यूचर, फिर उसके अगले मंथ का फ्यूचर, मींस दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फॉर मंथ, ऐसे 3 फ्यूचर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमको जब ये पता लगता है कि 6:30 पे एकदम से डाटा आने की वजह से मूवमेंट आता है, मूवमेंट किसी भी साइड में हो सकता है, अभी आपको पता नहीं कि कौन सी साइड में मूवमेंट आने वाला है, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने देखा कि क्रूड अपने हाई के करीब है इस मंथ का, तो आपने इस मंथ के क्रूड को बाय किया और नेक्स्ट मंथ के क्रूड को फ्यूचर को सेल किया और दोनों में स्टॉप लॉस लगाया 8 पॉइंट्स का। अब क्रूड का प्राइस क्या चल रहा है, सपोज 5,000-5,500 के आसपास जो भी चल रहा है, उसका 1% कितना होता है 55 या 50, और हम कितना स्टॉप लॉस बोल रहे हैं 0.2% से भी कम का। ये स्टॉप लॉस हमने क्यों लिया, देखिए स्टॉप लॉस इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि फ्लक्चुएशन में ही चला जाए, और बड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो छोटा सा मूवमेंट आएगा किसी भी साइड में तो स्टॉप लॉस जाने के बाद भी दूसरी साइड उससे ज्यादा प्रॉफिट निकल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक तरफ लिया, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूसरी तरफ लिया। अब ऐसे में अगर आपका स्टॉप लॉस काम नहीं भी करे ना तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे, अगर मूवमेंट ही नहीं आए ना तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपने इस मंथ के क्रूड में बाइंग की, ये 6 पॉइंट नीचे चला गया, तो अगले मंथ का क्रूड भी लगभग 5-6 पॉइंट नीचे गया है, तो एक तरफ आपको 6 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ 5-6 पॉइंट मिल रहे हैं, आप दोनों से बाहर निकल गए, लगभग बराबरी में बाहर आ गए। अगर मूवमेंट ऐसा हुआ कि इस तरफ 20 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो एक तरफ 20 पॉइंट मिल रहे हैं, दूसरी तरफ 8 पॉइंट का एसएल हो चुका है, तो 12 पॉइंट आपको बच गए। अब 12 पॉइंट का मतलब 1200 रुपए। अगर मैं क्रूड पे 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूं, 8 पॉइंट्स का मतलब 800 रुपीस का स्टॉप लॉस एक साइड है, 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूसरी साइड है, दोनों स्टॉप लॉस मिला के अगर मैं ये मान लूं कि हम सोते ही रह गए, हम बहुत स्लो हैं, बुद्धू हैं और हमारी उंगलियां भी ठीक से चलती नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक तरफ का एसएल हिट होते ही उस तरफ का भी एसएल हिट हो गया, एक तरफ का एसएल हिट होता है
और आपको लगता है अरे ये तो एसएल चला गया, क्या करूं क्या करूं, आप वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं, 5 मिनट बाद उधर का एसएल भी चला गया, तो बुरी से बुरी स्थिति क्या बनेगी, 16 पॉइंट चले गए, 1600 रुपए उस केस में जब आपकी ट्रेडिंग स्पीड बिल्कुल सही नहीं है, उस केस में कि आप बिल्कुल इतने नए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है या आप डंब हो गए, तब ऐसा होगा। तो दोस्तों 1600 रुपए का जो मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया में क्रूड के लिए 1% तक का स्टॉप लॉस लिया जाता है, 0.5% से 1%, मतलब कोई 30 पॉइंट ले रहा है, कोई 35 पॉइंट ले रहा है, कोई 50 पॉइंट का एसएल ले रहा है, और अगर मेरा दोनों साइड अगर एक बार 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है तो तीन दिन के स्टॉप लॉस तो 50 पॉइंट के अंदर मैनेज हो जाएंगे, और 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप पैसा ना कमाओ ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आप करके देखेंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने कोशिश क्या की है कि जो लेमेन है ना, हमको होशियार और काबिल आदमी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी अपना रास्ता बना ही लेगा, उसको अगर हमारा सपोर्ट मिला तो वो अपने प्रॉफिट को दुगुना तिगुना कर लेगा। लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन ऐसा बनाया जो सबसे कमजोर आदमी को, सबसे लेजी सबसे बिजी आदमी को सॉल्यूशन देगा, तो फिर वो बाकी सबके काम तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों क्रूड की इस स्ट्रेटेजी को आपको कैसे फॉलो करना है, 6:27-28 के आसपास, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 6:28 के बाद भी आप शुरुआत करेंगे इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, दोनों तरफ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एक तरफ आपने बाइंग की है, तेजी कर रखी है, अगले महीने में आपने सेलिंग की है, मंदी कर रखी है, उसमें स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर वहीं के वहीं घूमता रहा तो खतरा नहीं, एकदम ऊपर चला गया तो कोई खतरा नहीं, एकदम नीचे चला गया तो भी खतरा नहीं। और 6:30 बजे कई बार 50-60 पॉइंट का मूवमेंट भी आता है, 100 पॉइंट का मूवमेंट भी आता देखा हमने, तब क्या होगा पता है, तब यह होगा कि आपको एक ही झटके में कम से कम महीने में 3 बार 6,000-7,000 रुपया एक झटके में मिल जाएगा। तो टोटल आप महीने का कितना पैसा बना लेंगे, टोटल ये पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे कि 150 पॉइंट तो उन 3 दिनों में मिल जाएंगे कम से कम आपको, और बाकी 7-8 दिन और 10-12 पॉइंट का एवरेज रहेगा, तो कम से कम 250 पॉइंट आप बना लेंगे, और 10 दिन ऐसे रहेंगे, 10 दिन, हाँ गौर करें दोस्तों जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है आपको, 10 दिन ऐसे रहेंगे जब आपका एसएल हिट होगा या छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा, एसएल हिट छोटा सा प्रॉफिट, मतलब उन 10 दिनों में आप बराबरी में ही बाहर आएंगे, बल्कि मैं कहूंगा ब्रोकरेज टैक्सेस भी जेब से देने पड़ेंगे। अगर ये बात पहले से दिमाग में क्लियर है ना तो फिर आप घबराते नहीं हो। ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है, कोई आदमी का अगर कोई गुरु नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो किसी रास्ते पे चला और रास्ते पे उसको कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं मिल रहा है, तो उसको एकदम लगता है कि मैं रास्ता भटक तो नहीं गया, और घबरा के वो आधे रास्ते से पलट के वापस घर आ जाता है। और किसी के बताने वाले कोई गुरु या गाइड या मेंटर हो तो फर्क क्या होता है, उन्होंने बता दिया कि भाई बहुत समय तक तो तुमको कोई साइन बोर्ड मिलेगा ही नहीं, घबराना मत, चलते जाना, बीच में या 2 बड़े गड्ढे आएंगे तो ऐसे बच के निकल जाना, और ज्यादा पहलवानी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट से भिड़ना मत, उसकी जरूरत नहीं है, कहीं जाम मिलेगा तो वहां 15 मिनट लग जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जहां पहुंचना है वहां आप टाइम पे पहुंच जाओगे, टाइम से पहले भी पहुंच सकते हो। तो ये जब आपको पता होता है तो आपके अंदर ना उम्मीदी और जल्दबाजी दोनों चीजें नहीं आती, और आखिर में आप जीत जाते हो। तो दोस्तों ये जो 250 पॉइंट की बात की मैंने, 25,000 रुपए कब मिल जा रहे हैं आपको, जब आपने 1.5 से 2 लाख रुपए की कैपिटल एंगेज की है। अगर 2 लाख रुपए पे 25,000 रुपए आप निकाल के ले आते हो तो आपको पता है आप 12% एक महीने का निकाल के ला रहे हैं, वो भी कब, 6:28 मतलब 6:25 से 6:35, 6:25 to 6:35, ये 10 मिनट आपके ट्रेडिंग का टाइम है बस, और कुछ भी नहीं, उसके ऐसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग में। क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें सबसे ज्यादा रेगुलर मूवमेंट्स आते हैं, तो अगर लोगों से मैनेज नहीं होता है कि बुलियन नहीं कर सकते, बेस मेटल नहीं कर सकते, हम कंफ्यूज होते हैं, तो आप सिर्फ क्रूड पे फोकस करके भी काम कर सकते हैं। 12% तो अकेले क्रूड से मिल जाने वाले हैं आपकी कैपिटल पे, तो मतलब साल का 150% पॉसिबिलिटी है, और इसमें भी एक हिडन सरप्राइज है। हिडन सरप्राइज ये है कि साल में 2 बार अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो तो आपको साल में 2 बार बड़ा बोनस भी मिलने वाला है, कि एक बार आप सौदे में उतरे और क्रूड
एक ही दिन में जब 200 पॉइंट एकदम से नीचे उतर गया तो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और फिर बाद में उस क्रूड में आपको 350 पॉइंट भी मिल गए। एक ही ट्रेड में 35,000 एक बार, दूसरी बार में 30,000, ऐसे 65,000 रुपए का बोनस ये भी मिलेगा दोस्तों। पर ये सब किसके लिए होता है? जो छोटे छोटे अवसरों की इज्जत करता है, जो इस बात के लिए गया है कि मुझे अपनी कैपिटल का 0.5% रोज मिल जाए, मैं उसके लिए जा रहा हूं, तो उसको कई बार अपनी कैपिटल का 4-4% भी मिलेगा, 5-5% भी मिलेगा, 10% भी मिलेगा। लेकिन ये सब उसके लिए होता है जो इस शर्त के साथ नहीं जा रहा है ना। तो अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रोज रोज के छोटे प्रॉफिट की कदर करना आप सीख गए तो आपको छोटा प्रॉफिट तो मेंटेन होगा ही और साथ में बड़े बड़े प्रॉफिट का सरप्राइज भी मिलेगा। तो अच्छे ट्रेडर बनने के लिए इसकी कोशिश कीजिए। कमोडिटी का डिटेल ट्रेनिंग 10 वीडियो कोर्स के साथ 7,000 में मिल रहा है और 10,000 रुपए का मंथली सपोर्ट सिस्टम होता है। तो 10,000 अगर आप पे करते हैं तो आपको इसके कॉल भी मिल जाएंगे, शाम को 6-7 बजे के टाइम में आपको कॉल मिल जाएंगे कमोडिटी के दोस्तों। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, दिन भर आप अपना काम कीजिए। जब आप ऑफिस से घर के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे या फिर घर पहुंच चुके होंगे तब आराम से आप 10 मिनट के लिए क्रूड में काम करो या 1 घंटे के लिए गोल्ड सिल्वर क्रूड एनजी कॉपर निकल लेड जिंक में काम करो और आराम से 5-10,000 रुपया कमा के बाहर आओ सिर्फ 1 घंटा। कमोडिटी मार्केट सुबह 10 बजे से खुल के और रात को 11:30 तक चलता है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 1 घंटे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो 1 घंटा है जब लंदन मेटल एक्सचेंज ओपन होता है, कई सारी कमोडिटीज के डाटा आते हैं तो एकदम बड़े मूवमेंट होते हैं। अब मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता नहीं, लेकिन हमारे पास कौन सी स्ट्रेटेजी है, किसी भी दिशा में मूवमेंट होगा, सबसे पहले आपका कैपिटल लॉस नहीं होगा और रोज एक रेगुलर प्रॉफिट मेंटेन करके आप बाहर आएंगे। पहले अगर आपको यकीन नहीं है तो पेपर पे 5 दिन तक करो, पेपर पे चीजें जब दिखे कि रिजल्ट अच्छा आया तो फिर उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों सीखते रहिए, रोज हम दोपहर में 150 और रात को 850 के आसपास, 9 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीमिंग में आएंगे। अगले दिन का ट्रेड कैसे करना है उसके लिए आप तैयार रहें। और अब 99 वन डे के लाइव मार्केट सपोर्ट या मैसेज जो हम आपको कर रहे थे, जो पैकेज आपको बताया था, वो खत्म हो रहा है। अब 199 टू डेज के लिए ये वैलिड रहेगा। अभी आखिरी 24 घंटे का मौका आपको दिया जा रहा है, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो अगले 24 घंटे उसका फायदा उठाइए 99 पे करके। एक दिन सुबह और दोपहर को आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, उस पर आप ट्रेड करेंगे, उसके बाद से 199 टू डेज का ऑफर ही वैलिड होगा, फिर 99 नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय।